हेलो अभी क्लास ट्वेल्थ वालों का ये क्लास है कल गलती से मैंने क्लास इलेवेंथ बोल दिया था एक्चुअली मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रही थी क्लास इलेवेंथ के तो गलती से क्लास इलेवंथ दिमाग में चल रहा था तो मैंने गलती से बोल दिया तो चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जहाँ तक कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कल कल हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्कस कर लिया था आज हम डिस्कस करेंगे फॉरन ट्रेड तो फॉरन ट्रेड में क्या था जब हम पढ़ रहे थे कि हमारे हमारी जो इकॉनमी से जितनी भी चीजें जा रही थी वेदर वो कोई भी रॉ मेटेरियल हो चाहे कुछ भी हो तो वो सब चीजें हमारी इकॉनमी से जा रही थी जैसे कि कॉटन हुआ हमारी इकोनॉमी से कॉटन जा रहे थे वुल जा रहे थे बहुत सारी चीजें जो थी वो हमारी इकोनॉमी से जा रही थी ठीक तो ओ, हमारी इकोनॉमी तो धीरे धीरे खाली होती जा रही थी क्योंकि हमारे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज जो थे वो ब्रिटिशर्स लेके जा रहे थे अब वो लेके जाते थे तो वो क्या करते थे अपनी इंडस्ट्रीज में उसको बनाते थे और वही चीज हमारे रॉ मटेरियल से बनाई हुई चीज़ वो अपने यहां बनाते थे और वही चीज ला हमको महंगे दामों में वे बेचते थे तो इससे क्या हुआ था कि हम एक्सपोर्टर बन चुके थे और इम्पोर्टर ऑफ फिनिस्ड गुड बन चुके थे मतलब कि हम एक्सपोर्ट तो करते थे लेकिन एक्सपोर्ट हम क्या करते थे रॉ मटेरियल करते थे जिससे हमको कम प्रॉफिट आ जाए जिससे हमको कोई फायदा ही ना हो अगर वही चीज मान के लिए कि अगर वही चीज़ हम लोग रॉ मटेरियल की जगह अगर वही चीज़ हम लोग फिनिश गुड में प्रोड्यूस करेंगे तो क्या हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा ठीक है लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि वो हमको हम अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ब्रिटिशर्स हमको फीडर इकोनॉमी की तरह यूज करना चाहते थे तो अगर वो हमको फीडर इकोनॉमी की तरह यूज कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज जो होंगे वो खत्म होते जाएंगे तो यही था ब्रिटिश हमको जो है हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर बन चुके थे ठीक है उसके बाद ब्रिटिश रूल अब ब्रिटिश रूल ने क्या किया था कि बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जिससे हमारे ट्रेड बिल्कुल रुकवा दिए थे दूसरी चीज कि हमारे यहाँ का जितना भी एक्सपोर्ट होता था ठीक जितना भी एक्सपोर्ट होता था उसका वन बाई टू पार्ट जो होता था ये जो होते थे ये पूरा जो है ब्रिटेन जाता था मतलब कि आधा पूरा हम जितनी भी चीजें एक्सपोर्ट करते थे वो सारी आधी चीजें जो है वो ब्रिटेन जाती थी दूसरी कि ब्रिटेन ने क्या किया था कि हमारे यहां से जो है बहुत सारी कंट्रीज को हमारे यहां से ट्रेड करने के लिए रोक दिया था एक्सेप्ट कुछ कंट्री जैसे कि चाइना हो गया ईरान हो गया और आई थिंक श्रीलंका श्रीलंका बस तीन चार कंट्रीज ऐसी थी जिसको हमारे यहाँ से ट्रेड करना उस टाइम अलाउ था लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जहां जिसको हमारे यहां से ट्रेड करना अलाउ नहीं था क्योंकि ब्रिटिशर्स अपना पूरा कंट्रोल जमा के बैठे हुए थे वो उन्हीं उन्हीं लोगों को अपने यहाँ अलाउ करने देते दे थे जो लोग उनके जो लोग उनके प्रपोजल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें ठीक है तो सिर्फ दो ही चार कंट्रीज को अलाउ थी और किसी को भी अलाउ नहीं था सारे ब्रिटिश रूल जो थे उनका पूरा कंट्रोल हमारे ट्रेड ट्रेड और फॉरेन पे पूरा का पूरा कंट्रोल था चलिए देखते हैं अब ड्रीन ऑफ हाँ एक और चीज कि स्विच कैनॉल बनने से 1869 में स्विच कैनॉल बना था अगर आप लोग को याद हो तो एटीन में स्विच कैनॉल था सॉरी मेरा पेन थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा है 1869 में के बना था जो करता था को ब्रिटेन से और बाद में चल के सिल्क रूट भी कहा गया ट्रांसफर होते थे ओके okay. अब आते हैं ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल तो हमारे यहाँ से बात बिल्कुल सही है कि अगर हम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट बन चुके हैं और कंट्रोल जो हो चुका है वो पूरा ब्रिटिशर्स का हो चुका है तो हमारा पूरा इंडियन वेल्थ एक नाली की तरह मतलब पैसा बिल्कुल नाली के नाली की तरह बह के कहा जाता था ब्रिटेन ब्रिटेन जाता था ठीक तो हम मान सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहां का जितना भी इंडियन वेल्थ था हमारे यहाँ की जितनी भी रिसोर्सेज थी उसका पूरा यूटिलाइजेशन कौन कर रहा था तो उसके पूरे यूटिलाइजेशन ब्रिटिश कर रहे थे वो सिर्फ अपनी कंट्री को उससे फायदा पहुंचा रहे थे किसी और किसी कंट्रीज को फायदा नहीं पहुंचने दे रहे थे चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब आते हैं हम डेमोग्राफिक कंडीशन पे डेमोग्राफिक uh, कंडीशन का मतलब होता है उस टाइम लिविंग स्टैंडर्ड क्या डेथ रेट थी क्या बर्थ रेट थी क्या पॉपुलेशन था क्या लोग एजुकेटेड थे या एजुकेटेड थे क्या लोग जीते थे तो कितने दिन जीते थे इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो आता है हमारे यहाँ पहला आता है कि हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट मतलब कि बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था अगर बर्थ रेट के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो देखेंगे कि बर्थ रेट क्यों हमारे यहाँ ज्यादा था क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई भी मेजर नहीं लिया लिया जा रहा था डेथ रेट क्यों ज्यादा था क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी मेडिकल फैसिलिटी तो अच्छी नहीं थी ब्रिटिश सिर्फ अपने कहाँ पे फोकस कर रहे थे उनको सिर्फ लगान वसूलने थे उनको सिर्फ अपने तिजोरी में टैक्स भरना था उनको सिर्फ अपने यहाँ से जो है कपड़े सॉरी नेचुरल रिसोर्सेज जो होंगे वो एक्सपोर्ट करने थे हमारे यहाँ कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी अब आते हैं हम एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट हमारे यहाँ लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा कम थी ठीक है बहुत ज्यादा कम थी आई थिंक सेवन परसेंट हमारे यहाँ लिटरेसी रेट थी जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है ठीक है सेवन सॉरी सेवन परसेंट मैंने फीमेल का लिटरेसी रेट बोल दिया है सेवन uh, परसेंट uh, और सिक्सटीन परसेंट जो लिटरेसी रेट थी वो मेल की थी अब आते हैं हम लोग हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा थी सॉरी मोर्टेलिटी रेट भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा थी क्योंकि इनफैक्ट मतलब बच्चों के बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे क्योंकि उनको सही तरीके से मेडिकल फैसिलिटी जो थी वो नहीं मिल पाती थी अब देखते हैं कि लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हमारे यहाँ के लोग बहुत जल्दी मर भी जाते थे करीब चालीस चार जाते, जाते जाते मर जाते थे क्योंकि उनको मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी उनको जब खाने के लिए अच्छे उनको जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बहुत जल्दी लोगों की मौत होगी ठीक है और वाइट स्प्रेड पॉवर्टी हमारे यहाँ पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा भरी हुई थी हमारे बहुत लोग गरीब होते जा रहे थे जैसे मैंने बताया कि लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का हाई होता जा रहा था हालांकि पर क्या इनकम निकालना उस टाइम का कोई वो नहीं था लेकिन फिर भी जो है लोग और ज्यादा से ज्यादा गरीब होते जाते

तो चलिए देखते हैं प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर था वहां पे लोग बहुत ज्यादा भिड़े हुए थे मतलब कि समझ लीजिए कि वहां पे लोग जो थे वो बहुत ही ज्यादा ऑक्यूपाइड थे मतलब कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही काम करती थी और बहुत सारे लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहते थे पूरे अपने जीवन यापन करने के लिए ठीक है तो अगर हम देखें तो हमारे कंट्री की 75 परसेंट पॉपुलेशन जो थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल हमारी कंट्री की 75 परसेंट जो थी वो एग्रीकल्चर पे थी और बाकी जो रिमेनिंग सेक्शन है 25%, 25 में तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन भी आ अब आता है यहाँ पे regional variation. Regional variation की बात करें, तो अलग अलग पार्ट में लोग अलग अलग तरीके से ग्रो हो रहे थे थीके? अलग अलग तरीके का पे चल रहा था। अगर हम बात करें प्रदेश की केरला की ठीक है, तमिलनाडु की, ठीक, तो इन सब जगहों में क्या था कि यहाँ पे जो थे कि सर्विस सेक्टर जो थे वो ज्यादा महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर में लोग ज्यादा उभर के रहते पे सर्विस सेक्टर का में ऑक्युपेशन बहुत ज्यादा था लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें पंजाब की ठीक है और बात करें अगर हम लोग राजस्थान वगैरह की बात कर ले ठीक है तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर नहीं यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज्यादा इंक्लूड रहते थे तो देखा जाए तो उस टाइम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में रीजनल वेरिएशन भी होता था मतलब कि किसी जगह पे इंडिया तो हमारा ये है ठीक है इंडिया पे कुछ पार्ट में जैसे मान लो कि इतने पार्ट में एग्रीकल्चर हो रहा है ठीक है और इतने पार्ट में हमारे सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले लोग आगे काम कर रहे हैं बात को समझ रहे हैं आप लोग ठीक है तो हमारे यहाँ रीजनल वेरिएशन हो रहा था ठीक है जैसे आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र वगैरह में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर जो थी वो ज्यादा उभर के अच्छे से आ रही थी लोग ज्यादातर सर्विस सेक्टर में इंक्लूड थे लेकिन अगर हम लोग उस टाइम में पंजाब वगैरह में देखे ओडिशा वगैरह में देखे तो उस टाइम में लोग जो है ज्यादातर एग्रीकल्चर में इंक्लूड थे ठीक है अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ ये है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक उस टाइम पता है ब्रिटिशर्स ने रोड्स पे तो कोई खास ध्यान नहीं दिया था ठीक है क्योंकि रोड 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 से रोड्स से नॉर्मल जो थे उनसे उनको कोई मतलब नहीं था बस रोड इसलिए होता था ताकि वहां पे उन लोगों ने रोड पे थोड़ा मुड़ा कराया था ताकि वहां पे आर्मी आ जा सके ठीक है उनका अच्छे से कंट्रोल हो सके पूरे ऑल ओवर द इंडिया ठीक है और रॉ मटेरियल को शिफ्ट करने में थोड़ी सी उनको आसानी हो सके ठीक अब बात करते हैं यहाँ पर रेलवेज की तो रेलवेज में हम यहाँ पे देखेंगे कि रेलवे जब आ इंडिया में आया था ब्रिटिश में लेके आया था ना क्योंकि 1853 में तो पहली ट्रेन चली थी मुंबई टू थाने रिमेंबर ठीक है तो रेलवे जब हमारे यहाँ आया था भाई ये याद रखना मुंबई टू थाने 1853 वाली रेलवे क्यों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ठीक है तो रेलवे जो है रेलवे 1850 में इसको लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको लेके आई थी और वो भी इस मकसद से रेलवे को लेके आ गया था ताकि देखो पहली बात तो लोग लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सके ठीक है दूसरी चीज की जो देश में इतने रिवॉल्ट हो रहे थे ठीक है तो वहां पे आसानी से उसपे कब्जा जमाया जा सके मतलब आसानी से लोगों को चुप किया जा सके ठीक है तो अगर मान लो कि अगर रिवॉल्ट हो रहा है तुम्हारा पंजाब में ठीक और आर्मी मान लो कि गुजरात में फंसी हुई है तो रेलवे था तो उससे लोग पैदल के मुकाबले रेलवे से लोग ज्यादा जल्दी तरीके से जा सकते थे ठीक है तो रेलवे जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट इसलिए लेके आई ताकि इसमें इनका इंटरेस्ट था हमारा इंटरेस्ट कोई नहीं था और एक और चीज़ रॉ मटेरियल भी ये लोग अच्छे से एक्सपोर्ट कर लेते थे ठीक है बोर्ड तक ले जाने के लिए भी तो रेलवे की जरूरत पड़ेगी ठीक तो ये लोग बल्क में जो था वो रॉ मटेरियल रेलवे के थ्रू ले जाते थे ठीक अब आते हैं एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट हालांकि एयर के बारे में तो नहीं कहा जा सकता है कि उस टाइम उन्होंने कुछ अच्छा डेवलपमेंट किया था लेकिन हाँ वाटर ट्रांसपोर्ट में उनका अच्छा खासा कह सकते हैं कि कोऑपरेशन रहा है ठीक है इंडियन के थ्रू क्योंकि ये लोग वाटर ट्रांसपोर्ट को इसलिए बढ़ाना चाहते थे क्योंकि यहां पे एक्सपोर्ट करना था उनको हम सबको पता है कि वो लोग सामान जो थे वो एक्सपोर्ट करते थे हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और हमको फिनिश गुड दे जाते थे तो इनको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों कराना था ठीक तो इसलिए हमारे यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट जो था वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा है उस टाइम में ठीक अब आते हैं कम्युनिकेशन पे तो कम्युनिकेशन में पोस्टल सर्विसेज जो हैं वो उनका बहुत अच्छा यूज रहा है ब्रिटिशर्स के टाइम में क्योंकि पोस्टल सर्विसेज वो इसलिए यूज करते थे याद होगा टेलीग्राम फैक्स वगैरह चिट्ठी वगैरह भेजते थे इसलिए भेजते ताकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रख सके अपना किस राज्य में क्या हो रहा है ठीक है कहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत सही से चल रही है नहीं चल रही है वो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए उन्होंने कम्युनिकेशन को जो है कुछ अच्छा बनाया था पोस्टल सर्विसेज को अच्छा अच्छी बनाई थी ठीक है पोस्ट ऑफिस वगैरह जो थे उस टाइम अच्छे खुले थे ठीक है सर्विसेज अच्छी हुई थी ठीक अब आता है कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रोल ब्रिटिशर्स तो भाई पक्का हमें कंफर्म है कि जो हमारे भारत सोने की चिड़िया थी यहाँ से बहुत कुछ लेके गए लेकिन उसमें से क्या हमको क्या उसमें से हमको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिले हैं ठीक है ठीके? वो लोग जो करके गए उसमें से पॉजिटिविटी क्या है ठीक है हर चीज में नेगेटिव नहीं ढूंढना चाहिए कुछ पॉजिटिविटी अगर ढूंढ के रखेंगे तो हमारे मन को थोड़ी शांति मिलेगी चलो भाई लुट के गए लेकिन कुछ तो करके गए ठीक है चलिए चलिए देखते हैं कि हमारे यहाँ पॉजिटिविटी क्या थी ठीक है तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन पहले हम लोग क्या करते थे पहले हम सिर्फ फूड क्रॉप उगाते थे ठीक लेकिन अब क्या हो गया था कि अब हम कैश क्रॉप उगाना स्टार्ट कर दिए थे मतलब कि हम खाते थे जितना हमारे भर का होता था हम खाते थे ठीक हम उतना तो उगाते थे उसके साथ साथ हम कैश क्रॉप भी उगाना स्टार्ट कर दिए थे ठीक है कैश क्रॉप में हमारा क्या आ जाता था ठीक है कैश क्रॉप में हमारा क्या आ जाता था? इंडिगो आ जाता था ठीक है कॉटन आ जाता था जूट आ जाता था ठीक ये सब हमारे कैश क्रॉप में आते थे ठीक तो कैश क्रॉप हम उगाना इसलिए स्टार्ट किए ताकि उसको हम बाजार में बेच के हम अब मेरी जो और भी दूसरी नीड्स हैं जो हम बाटर सिस्टम से पूरा नहीं कर पाएंगे ठीक हम उसको कंप्लीट कर सकते थे अब आता है बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन तो इंक्रीज हुई थी ठीक है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब रेलवे वगैरह तो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था अच्छा किया था इंट्रोड्यूस गया क्योंकि लोग जो थे वो पैदल नहीं जा सकते थे ठीक है ऐसा भी होता था कि बहुत जगहों पे जब अकाल आती थी बाढ़ वढ़ आती थी तो लोग जो थे वो वहां से जो है अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था तो लोग वहां से इजीली जा सकते थे ठीक चेक ऑन फेमाइंस फेमाइंस पर उन लोगों ने चेक किया बात बिल्कुल सही है फेमाइंस अगर कहीं पे भी आती मैंने बताया कि फेमाइंस अगर अगर, अगर यहाँ पे कहीं पे भी आती थी तो लोग आसानी से जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे और फिर जब फेमाइंस वगैरह जब खत्म हो जाती थी वहां पे तो लोग आसानी से उस जगह पे आ भी सकते थे ठीक अब देखते हैं तो शिफ्ट टू मॉनिटरी इकॉनमी पहले हमारे यहाँ क्या था बार्टर सिस्टम फिर जब से ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हमें मॉनिटरी इकॉनमी में चेंज कर दिया मतलब कि अब हम लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए कि अब हम लोग करेंसीज का यूज करने लगे ठीक है पहले हम लोग क्या करते थे बाटर सिस्टम करते थे ठीक अब हम लोग क्या करने लगे करेंसीज का यूज करने लगे करेंसीज को अपना मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना चुके थे ठीक अब यहाँ पे आता इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप ये चीज हम लोग मान सकते हैं कि भले ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत लूटा हो लेकिन वो हमको कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करना सिखा के चले गए ठीक है वो ये बताते चले गए कि हमारा इंडिया जैसे देशों पे कैसे राज किया जा सकता है ठीक है चाहे इंडिया के लोगों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है किस बेसिस पे हमको डिवाइड करके लड़वा के कैसे वोट भी जा सक, जीता जा सकता है ये भी हमको सिखा के वो लोग चले गए ठीक है तो हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे होना चाहिए ठीक जुडिशरी अभी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पता है ना कहाँ से लिया गया है ठीक है तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन सिखा के वो गए ठीक आई बात समझ में हमको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी ऐसे लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करवाते हैं कैसे क्या करते हैं बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम लोग को सिखा के गए ठीक अब ये यहाँ पे हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है ठीक अब दूसरे चैप्टर की वीडियो जल्दी ही आपके चैनल पर मिल हम, मेरे चैनल पर मिल जाएंगी ठीक और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें थैंक यू सो मच